हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको व्हाट्सएप के न्यू फीचर जो आने वाले हैं 2022 में वो बता रहे हैं आपको। कम्युनिटी आप क्रिएट कर पाइएगा जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों को ऐड कर पाइएगा या 10 से ज़्यादा ग्रुप को आप ऐड करके कम्युनिटी बना सकते हैं। लार्ज ग्रुप की साइज़ होगी इस वजह से, और आप अपने रिएक्शन को इमोजी से के थ्रू दे पाइएगा। पहले इमोजी लिमिटेड था, अब ज़्यादा उसमें फैसिलिटी आ गई है। और एडमिन की एबिलिटी होगी कि वो किसी के भी मैसेज को डिलीट कर पाए, जबकि पहले यूज़र ही अपने चैट को डिलीट कर सकता था। 32 या उससे अधिक लोग आपके वॉइस कॉल को, आप अपने वॉइस कॉल को उनको एक टच से भेज सकते हैं, जबकि पहले 5 ही लोगों को आप अपनी चैट में इंफॉर्मेशन भेज पाते थे। चैट फिल्टर आपको केवल बिजनेस मोड पे मिलेगा, जहाँ पर आप पेमेंट करते हैं व्हाट्सएप में, उसी में केवल चैट फिल्टर मिलेगा जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चैटिंग मेथड होगा। कैंपेनियन मोड आप यूज़ कर पाइएगा, मतलब आप मोबाइल पे तो व्हाट्सएप यूज़ ही कर रहे हैं, साथ ही साथ इसमें आप कंप्यूटर या अन्य डिवाइस पे भी व्हाट्सएप को यूज़ कर पाइएगा। पोल्स आप लगा सकते हैं इसमें कमिंग फीचर्स में, जैसे कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और यूट्यूब पे लगाते हैं, तो आप अपने लोगों के बारे में जान पाइएगा। क्विक रिएक्शन टू स्टेटस अपडेट इन क्लिक, आप अपने स्टेटस को एक क्लिक से चेंज कर सकते हैं, चाहे उसमें वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे जो भी हो, उसको ऐड करके आप अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। मोर टाइम लिमिट फॉर डिलीटिंग सेंट मैसेज, और आपने जो मैसेज भेजा है उसकी लिमिट जो होगी वो बहुत अधिक हो जाएगी, आप जब चाहिए तब अपने मैसेज को डिलीट कर पाइएगा। अभी लिमिटेड टाइम का, और या तो मेमोरी भर जाने पे आप अपने मैसेज को डिलीट करते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो इन मैसेज नोटिफ, और आपके अब नोटिफिकेशन के साथ आपका प्रोफाइल फ़ोटो भी साथ में दिखेगा। व्हाट्सएप लॉग आउट और लॉग इन फैसिलिटी भी अब देने लगेगा, जिससे आप कहीं से भी व्हाट्सएप में लॉग आउट या लॉग इन कर पाइएगा। इंस्टाग्राम रील की तरह से आप व्हाट्सएप में भी रील बना पाइएगा, और मैसेज को बाद में रीड करने के वॉइस मैसेज को भी फैसिलिटी मिल जाएगी कि बाद में भी आप उसको रीड कर पाइए। और व्हाट्सएप इंश्योरेंस फैसिलिटी भी देगा, जिससे आप अपने इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं। यू कैन सेंड अ वॉइस मैसेज विथ नोट एंड कैन हियर इट बाई पॉजिंग बिफोर सेंडिंग मैसेज, आप अपने वॉइस मैसेज को तो भेज ही सकते हैं, लेकिन उसको भेजने से पहले सुन भी सकते हैं और रोक कर उसको फिर से रिमाइंड करके भी सुन सकते हैं और भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज के लिए आपको वॉइस चैट में जाना पड़ता था, वैसे भी आप उसको सुन सकते हैं। पहले आप केवल 100 MB की फाइल किसी को भेज पाते थे अपनी इंफॉर्मेशन, अब 2 GB तक की फाइल आप, मतलब आप अपनी वर्कशीट, नोट, कुछ भी बड़ा से बड़ा PDF फाइल भी उनको भेज पाइएगा। सो दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर, इफ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।